सर की छतरी घूमती है जिसमें सितारों की बरसात होती है, उसके बाद उसकी आंखों में से शोले निकलते हैं, उसके बाद उसके मुंह में से आग के गोले निकलेंगे, उसके बाद उसकी नाभि में से चक्री घूमेगी, उसके बाद उसके हाथ की जो ढाल है वो राउंड शेप में घूमती है। इस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर से एक 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 आइटम चल के नीचे तक आ जाती है, फिर नीचे से रावण, हमारा रावण जो होता है वो ऊपर से जलना स्टार्ट होता है फीचर के साथ, उसके साथ धूं धूं करके रावण का दहन किया जाता है। हम जो रावण दहन होगा वो चीफ गेस्ट के द्वारा रिमोट कंट्रोल के द्वारा होगा, रिमोट कंट्रोल द्वारा रावण दहन सिर्फ पंजाब में सिर्फ लुधियाना दरेसी ग्राउंड में ही होता है। सबसे यहाँ के बनने वाला जो रावण है वो पूरे पंजाब में सबसे बड़ा रावण बनने वाला रावण है। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी आप जो है रावण बना रहे हो जी, क्या? ये तो सबसे बड़ी खास बात हमारी यही है कि एक धर्म का हम एकता का संदेश देना चाहते हैं, एक कि जो धर्म है हिंदू मुस्लिम धर्म कुछ नहीं है, एक इंसानियत का जो धर्म है हम उस धर्म के उसके उससे काम कर रहे हैं। और जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, तुसीं देख रहे हो जनहितैषी ते मैं तुहाडे नाल अंकित वर्मा। जिस तरीके दे नाल टैक्नोलॉजी है जिहड़ी ओह वधदी जा रही है दिन ब दिन, सो उसे तरीके दे नाल जिहड़ी बुराई उत्ते अच्छाई की जिहड़ी जित सीगी उसनूं लै के जिहड़ा रावण जिहड़ा साड़िया जांदा सी चेहरे दे उत्ते, सो अज सो दस दिए कि जिहड़ा रावण है हुण ओह रिमोट कंट्रोल दे नाल टैक्नोलॉजी दे वधदिआं देख जिहड़ा रावण है ओह रिमोट दे नाल हुण जिहड़ा साड़िया जांदा, जिहड़े इसनूं रावण नूं बनांदे ने सो उहनां नाल गल्लबात वी करदे आ, सो जानदे आ कि किन्नी कु मेहनत लगदी है रावण बनाउण नूं ते किस तरीके दीआं जिहड़ीआं तैयारियां, किन्नी देर पहलां इहनां नूं इत्थे आउणा पैंदा, तो किन्ने साल ते किन्ने साल तों जिहड़े उरे रावण बना रहे ने, सो गल्लबात करदे आ। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल खान है, सोहेल खान फारूकी जी। कितना टाइम हो गया रावण बनाते हुए? हम बचपन से ही अपने पापा के साथ आ रहे हैं, लगभग 26 साल हो गए, 26 साल से हमारे पापा इस काम को कर रहे हैं अलग अपने। वैसे देखा जाए तो ये हमारा एक पुश्तैनी काम है, हमारे दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से ये हमारा खानदानी काम चलता आ रहा है। लुधियाना पंजाब के अलावा ये हम कई शहरों में बनाते हैं, जैसे चंडीगढ़ और पानीपत में भी हमारा बहुत बड़ा काम है जी। इस बार हमने बरेली शहर का भी रावण का ठेका लिया हुआ है जी। जो आपका रावण जो बनाते हो तो आप, तो इसमें खास चीज़ क्या है जो आपका रावण? जो हमारी सबसे बड़ी खास बात है कि इसका फेस, जो हम इस रावण का फेस बनाते हैं जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग जैसा होता है, जो एक नेचुरल फेस लगता है, जैसे ना कि कार्टून टाइप होके, जो ये वाला फेस हम बोलते हैं इसको डाई वाला फेस बोलते हैं, ये हम वहाँ से आगरा से ही तैयार करके लेके आते हैं स्पेशली डाई के द्वारा बनाकर, क्यों ये सबसे बड़ी एक बात है कि हम कार्टून टाइप के, जैसे कि रावण की जो बॉडी शेप होती है ना उसके शोल्डर से हाथ निकलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के होते हैं जी। जैसे खतरा बहुत बना रहता है कि जैसे है ना कि रावण को जैसे हमने आग लगानी है तो उसके पास जाके आग लगानी पड़ती है, सो ऐसे
आप जो रावण बनाते हो इसमें इसमें कैसा इंतजाम करते हो अगले इसी चीज को हमने मतलब डेवलप किया है, इसी फीचर्स को हमने अपडेट करने के साथ साथ हमने देखा है कि हम जो रावण दहन होगा वो चीफ गेस्ट के द्वारा रिमोट कंट्रोल के द्वारा होगा। जो चीफ गेस्ट सर आएंगे वो रिमोट का बटन दबाएंगे और रावण दहन बहुत दूर से होगा जी। रिमोट कंट्रोल द्वारा रावण दहन सिर्फ पंजाब में सिर्फ लुधियाना दरेसी ग्राउंड में ही होता है। सबसे यहाँ के बनने वाला जो रावण है वो पूरे पंजाब में सबसे बड़ा रावण बनने वाला रावण है। कितने फुट का जो यहाँ पे रावण बन रहा है? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ का जो रावण है वो पूरा 100 फीट का होने वाला है, 100 फुट का होने वाला है पूरा। इससे पहले 90 फीट का यहाँ का रावण हुआ करता था लेकिन इस बार पूरा 100 फीट का रावण होने वाला है यहाँ का। कितनी मेहनत लगी जाती है इसको तैयार करने में, कितने दिन लग जाते हैं? मेहनत ये समझ लीजिए कि रात दिन पूरा एक कर दिन करना पड़ता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि खून पसीने सब कुछ लगाना पड़ता है इसमें। अपने घर बार को छोड़ के हम दूसरे शहर में आके मतलब मजदूरी इतनी तरीके से मेहनत करते हैं, पूरी दम से जुट जाते हैं कि क्योंकि इसमें टाइम पर हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है। रावण बनाते हो तो स्पेसिफिकली आपको यहाँ से लुधियाना से कॉल आता है आने के लिए? जी बिल्कुल, कमेटी द्वारा हमको बुलाया जाता है। कि कितने साल हो गए आने को यहाँ लुधियाना का? हम काम करते करते 16 साल से हम यहाँ दरेसी ग्राउंड का काम कर रहे हैं रेगुलर। क्या बात है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि हम अपने आगरा से कुछ स्पेशल आइटम्स लेके आते हैं जो हम अपने रावण के अंदर अपनी तरफ से फिट करके देते हैं। जैसे कि रावण के दहन होते टाइम सबसे पहले उसकी सर की छतरी घूमती है जिसमें सितारों की बरसात होती है, उसके बाद उसकी आंखों में से शोले निकलते हैं, उसके बाद उसके मुंह में से आग के गोले निकलेंगे, उसके बाद उसकी नाभि में से चक्री घूमेगी, उसके बाद उसके हाथ की जो ढाल है वो राउंड शेप में घूमती है। इस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर से एक 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 आइटम चल के नीचे तक आ जाती है, फिर नीचे से रावण, हमारा रावण जो होता है वो ऊपर से जलना स्टार्ट होता है फीचर के साथ, उसके साथ धूं धूं करके रावण का दहन किया जाता है। कितने इसमें जो पटाखे होते हैं जो वो कितने का यहाँ पे लगाते हैं? नहीं, पटाखों का तो ये है कि पटाखे बहुत कम से कम यूज किए जाते हैं क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी फैलता जा रहा है, इसलिए कमेटी मेंबर्स हैं बहुत कम पटाखों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मनोरंजन भी हो सके और पॉल्यूशन का खतरा भी ना हो। जब ये रावण का जो जैसे दशहरा मेला नहीं होता उसके 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 बीच में क्या काम करते हो? जी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं अपनी बीटीसी स्टडी कर रहा है, मैं उसको कंप्लीट करूँगा इस साल जी। तो वैसे सभी मेरे भाई, मेरा जो बड़ा भाई है वो भी आते हैं पापा के साथ में। मेरे पापा ने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मतलब फिर अपनी मतलब इस प्रोफेशन में आए क्योंकि उनको घूमना पसंद था। यहाँ आने से सबसे बड़ी नई नई लोगों से मिलना, नई नई चीज़ों को जानना, नई नई जगहों को घूमना जी। आपके पास यहाँ पे कितने वर्कर्स हैं जो काम करते हैं साथ में? हमारे यहाँ 3 टीमें चल रही हैं लुधियाना दरेसी ग्राउंड में, 20 लोगों की टीम मेरे साथ में है जी। बाकी की 20 लोगों की 2 टीमें मेरे पापा और मेरे भाई के साथ में है जी। जो एक टीम चंडीगढ़ में है 20 लोगों की और एक टीम पानीपत शहर में। सुहेल जी, जैसे आजकल ना सुना है कि जैसे कि वो बहुत घटना हुई भी है कि जैसे ना रावण को जलाते हैं तो वो रावण गिर जाता जी। So, वो किस तरीके का जो किस टाइप का वो रावण होता है? इसका सबसे बड़ा इशू है क्वालिटी का। वो जो क्वालिटी बनाते हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत ही थर्ड क्लास होती है। जैसे कि उन्होंने ढांचा बनाया बांस का और उसके ऊपर सीधे कपड़ा डाल के ना वो डाल देते हैं, जैसे कि डंडे के ऊपर कोई कपड़ा पहना दिया हो। हमारी बॉडी की सारी स्पेसिफिकेशन ये है कि हम ना सबसे पहले इस पर टाट लगाते हैं जो बोरा सिलते हैं, उसके बावजूद इस पर एक कागज की लेयर लगाते हैं, उसके बाद में लास्ट शाइनिंग फिनिशिंग देने के लिए इस पर हम शाइनिंग पेपर लगाते हैं। इस पूरी बॉडी के ऊपर 3 लेयर का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बॉडी इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत है कि कभी इसके गिरने या टूटने का खतरा कभी नहीं होता। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी आप जो है रावण बना रहे हो जी, क्या मतलब? ये तो सबसे बड़ी खास बात हमारी यही है कि एक धर्म का हम एकता का संदेश देना चाहते हैं। एक कि जो धर्म है हिंदू मुस्लिम धर्म कुछ नहीं है, एक इंसानियत का जो धर्म है हम उस धर्म के उससे काम कर रहे हैं और जिससे कि लोगों में एकता का प्रतीक बने, कोई हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर रहें, इसलिए हमें तो बहुत खुशी होती है कि हम 2 धर्मों को मिलाने का काम कर रहे हैं जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जो बहुत अच्छी आपकी सोच भी है, जैसे आपके अंदर कला इतनी अच्छी है तो सोच भी बहुत अच्छी है। सो सब तो खास गल जी मैं तुम्हें लुधियानवी दस रहा है कि जरा इतने का रावण आ 100 फुट उच्चा जो रावण है इस बार पहली बार दरेसी ग्राउंड के तैयार हो जा रहा। सो तुम भी इतने आ रावण दहन जरा एक बार जरूर देखो दशहरे से आके। सो इदा दिया होर अपडेट्स लिए जुड़े रहो जन हितेशी के नाल, मैं अंकित वर्मा कैमरामैन प्रिंस के नाल। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।